then uh, you must have seen a mime artist through his uh, facial expression and through his body language he always try to convey whatever he want to say क्योंकि माइम में आपने देखा होगा उसमें कोई डायलॉग नहीं होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है विद ऑडियंस और वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एंड येस अ चाइल्ड अ चाइल्ड ऑलवेज कन्वेज इट्स हैप्पीनेस थ्रू स्माइल्स एंड एंगर थ्रू क्राइज अगर वो गुस्सा हो जाएगा तो वो रोना शुरू करेगा एंड अगर वो हैप्पी होगा द चाइल्ड विल

राइट right? एंड uh, कुछ रोना धोना शुरू कर देते हैं जरा सा कुछ हुआ नहीं दे आर वेरी एक्सप्रेसिव दे हैव सम सॉरो दे हैव सम सैडनेस इन देअर माइंड तो वो रोना स्टार्ट कर देंगे कभी भी अपनी एंगर शो कर देंगे तो उनकी आईज रेड हो जाती हैं फेस पिंक हो जाता है और अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो सेटिस्फैक्शन की लुक कैसी होती है बहुत ही रिलैक्स और काम होती है राइट सो इन अर्यर टाइम्स मैन मैन डिडेंट नो एनी लैंग्वेज उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती थी तो हाउ ही यूज टू कम्युनिकेट ही कम्युनिकेट ही थ्रू साइन लैंग्वेज टू पीपल हु आर क्लोज बाय जिन पास में होते थे उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट करता था और जो दूर होते थे उनको अगर उसने कुछ uh, कुछ कम्युनिकेट करना होता था तो दे यूज टू बीट ड्राम एंड गिव स्मोक सिग्नल टू द पीपल हु आर लिविंग फार अवे ओके सो बेसिकली कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन रिटर्न और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन राइट स्पोकन और रिटर्न हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं और विजुअल इंफॉर्मेशन में हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल दोनों आ जाता है लाइक like, जो रिटर्न uh, कम्युनिकेशन है दैट इज ऑल्सो विजुअल इंफॉर्मेशन तो कम्युनिकेशन uh, में हम uh, एक मैसेज एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है एज यू कैन सी इन दिस इमेज एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है सेंडर वो है जो कुछ अपना मैसेज देना चाहता है रिसीवर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट सेंडर इज ट्राइंग टू से तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है सी हमें अब चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है और कोई आकर के अगर चाइनीज में कुछ बोलना शुरू कर दे देन वी द ऑडियंस और द रिसीवर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चाइनीज क्योंकि हमें वो आती नहीं है तो इस तरह की चीज को हम कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कम्युनिकेशन तब है वेन द सेंडर इज सेंडिंग मैसेज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिसीवर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से ओके तो जब रिसीवर जब तक रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है एंड दिस इज द रीजन कि क्यों कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दोनों इक्वली इन्वॉल्व होते हैं नाउ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ

नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पहले वर्बल और नॉन वर्बल ही पढ़ा है क्लास थर्ड में uh, अब हम पढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन ओके सो पर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे पोस्टल सिस्टम टेलीफोन और मोबाइल आ जाते हैं जबकि जो मास कम्युनिकेशन है इसमें हमारा प्रिंट कम्युनिकेशन आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ जाएगा प्रिंट कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर, बुक जर्नल मैगजीन जो प्रिंट मीडिया है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वी ऑल आर हैविंग टेलीविजन वी ऑल आर हैविंग मोबाइल फोन्स दीज रेडियोस, सैटेलाइट्स टिल देयर इन दफिसेस कंप्यूटर ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज हैविंग दिस सिनेमा एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग दैट इज समथिंग विच इज एट फुल ब्लूम इन प्रेजेंट पैनेडमिक पीरियड राइट सो आज हम फर्दर डिटेल में पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और मास कम्युनिकेशन हम बाद में करेंगे नाउ डू यू नो दैट एट सी सेलर्स सेंड मैसेजेस टू अदरशिप बाई विविंग फ्लैग और फायरिंग क्रैकर्स इन द एयर इफ देयर रेडियो कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन और ये जो फायरिंग क्रैकर्स इन द एयर है तो ये एक तरीके से uh, जो स्मोक सिग्नल अर्ली मैन सेंड करता था वहां से आई हुई चीजें वहां से डिराइव की हुई चीजें कि अगर आपका रेडियो कम्युनिकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो आप फायर uh, क्रैकर को एयर में छोड़ते हैं जिससे बहुत सारा स्मोक बनता है और जो डिस्टेंस प्लेस पे शिप होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक शिप है विच नीड्स हेल्प नाउ नेक्स्ट इज द पर्सनल कम्युनिकेशन सो एज द नेम इंडिकेट्स पर्सनल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अडर एंड द रिसीवर ओनली पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे फॉर एग्जाम्पल पोस्टल सिस्टम राइट पोस्टल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन पोस्टल सर्विस जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है और जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो आ, हमारी जो जो उनकी सर्विसेज है लाइक हमारी मेल्स है हमारे मनी ऑर्डर्स है हमारे पार्सल हैं उनको ऑल ओवर इंडिया इंडिया के हर पार्ट में वो लेकर के जाते हैं डिलीवर करते हैं प्लस वर्ल्ड के हर पार्ट में भी इनकी डिलीवरी सर्विसेज है जो uh, ये जो हमारी मेल्स हैं हम चाहे अपने फ्रेंड्स को भेजें चाहे रिलेटिव को भेजें चाहे वो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को भेजने हों इन सभी को भेजने के लिए जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है ये हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और जो मेल्स हैं दे आर सेंट बाय रोड बाय रेल बाय एयर और बाय शिप विच मींस दैट ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे आर यूज्ड बाय द पोस्टल सिस्टम टू टेक आर मेल टू डिलीवर आर मेल एट द राइट एड्रेस एट द राइट टाइम सो जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस था इंडिया में वो कोलकाता में ओपन किया गया था इन सेवनटीन टवेंटी सेवन एंड आज की डेट में वी आर हैविंग वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया एंड नाउ दिस स्पेशल पोस्टल सर्विस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूज इन द पोस्ट ऑफिस एंड दिस इज द स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट मतलब क्विक डिलीवरी एज द नेम इंडिकेट स्पीड मतलब बहुत फास्ट तो क्विक डिलीवरी इसमें ये करते हैं और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कुरियर सर्विसेज हैं जो डिलीवरी की लेटर्स और पार्सल को राइट uh, टाइम right पे राइट right स्पेस पे पहुंचाने के लिए uh, हमें सर्विसेस प्रोवाइड करवाती हैं नव जू नो दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड वी डेट डिस्कस दिस दैट वी आर हैविंग वन लैक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पोस्ट पोस्ट ऑफिस है ना कंट्री जिसमें से 90% जो है वो रूरल एरिया में है एंड ओनली 10% आर इन द अर्बन एरिया और जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वर्ल्ड का वो हिमाचल प्रदेश की हिक्किम नाम की जगह पे है नाउ जो पोस्टल uh, सर्विस है बेटा ये इतना ज्यादा काम करती है पूरी दुनिया तक अपना हमारा कुरियर हमारी मेल्स को लेकर के जाती है ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज़ ऑफ दिस पिन पिन स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर और ये सिक्स डिजिट का कोड होता है ये पोस्ट ऑफिस नंबरिंग होती है और ये इंश्योर करती है एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ आर मेल नाउ अब हम क्विकली देखेंगे कि ये जो पिन है जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है ये कैसे वर्क करता है सिक्स डिजिट नंबर एस यू कैन सी दिस इज अस डिजिट नंबर वन राइट अब जो फर्स्ट फर्स्ट नंबर होता है फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है रीजन को कि कौन से रीजन में लेटर जाएगा रीजन uh, मतलब नॉर्थ नॉर्दर्न रीजन साउदर्न रीजन ईस्टर्न रीजन और द वेस्टर्न रीजन तो ये चीज जो है ये फर्स्ट नंबर बताता है अब ये जो सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर हमें बताता है कि कौन से सब रीजन में यानी कि कौन से स्टेट में लेटर या मेल ने जाना है स्टेट सेकेंड नंबर फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों मिल करके स्टेट को इंडिकेट कर देते हैं जो ये थर्ड नंबर है विच इज फाइव है थर्ड नंबर हमें बताता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इन द विच रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट दिस लेटर और दिस मेल इज सपोज टू बी डिलीवर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो लास्ट के तीन नंबर रह जाते हैं ये पोस्ट ऑफिसिस की कौन से रीजन के पोस्ट ऑफिस में इस लेटर ने जाना है ये इंडिकेट करता है एंड मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है ये जो नंबर uh, मैंने पिन नंबर लिया है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है वन का मतलब था रीजन विच मीन्स इट इज गोइंग टू बी इन द नॉर्दर्न रीजन नाउ मैंने कहा था जो सेकेंड है वो हमें सब रीजन या स्टेट के बारे में बताता है हिमाचल प्रदेश द मेल इज सपोज टू गो टू द हिमाचल प्रदेश एंड जो नेक्स्ट नंबर है, है जो डिस्ट्रिक्ट बताएगा विच इज फाइव तो वन सेवन फाइव वन सेवन फाइव ओवरऑल इंडिकेट करता है दैट This mail is uh, to be delivered in Mandi district. Mandi district बहुत बड़ी है Mandi district में बहुत सारे post offices हैं उनमें से कौन से post office में ये जाएगा ये हमें next के 3 नंबर्स बताएंगे विच इज जीरो जीरो वन विच इंडिकेट्स द अलाथू ब्रांच पोस्ट ऑफिस सदर मंडी टाउन में मेन बाजार में जो पोस्ट uh, ऑफिस है उसकी बात की जा रही है उसका नाम है अलाथू ब्रांच और ये जो पिन है अगर ये किसी मेल में है तो वो मेल जो है वहां पे वहां पे किसी हाउस uh, में जो वहां के पोस्ट ऑफिस है वहां तक ले जाई जाएगी और उसके बाद जो आपने नेम लिखा होता है फिर केयर ऑफ हाउस नंबर लिखा होता है उसको देखा जाता है सबसे पहले इनिशियली जो सॉर्टिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ पिन की जाती है सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिन कोड पिन कोड को इंट्रोड्यूस भी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन किया गया था विच इज फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन सेवेंटी टू को पिन को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड तब से लेकर के आज तक जो पोस्टल सिस्टम है ये बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी डिले के आ, हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है नाउ नेक्स्ट मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑफकोर्स टेलीफोन इट इज मोस्ट कॉमन एंड इंस्टेंट मीन ऑफ टू वे कम्युनिकेशन टू वे मतलब यू आर एबल टू सेंड मैसेज एंड यू आर रिसीव साइमल्टेनियसली उसी वक्त आपको फीडबैक भी मिल जाती है इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्सेंडर ग्राहम बेल इन एटी And it allowed people from all over the world to communicate instantly.

एस टी डी स्टैंड फॉर द सब्सक्राइबर ट्रंक एस टी डी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग ये नेशनल लेवल की अगर आपने कोई कॉल करनी है अपने टेलीफोन से तो आगे आपको एस टी डी कोड यूज करना पड़ता है एंड अगर आपने कोई इंटरनेशनल कॉल कॉल करनी है आपने अक्सर देखा होगा कि आ, जो इंडिया है इंडिया, इंडिया के जितने भी फोन कॉल्स होते हैं उनके आगे प्लस नाइन वन लगाया जाता है दैट इज आर आईएसडी कोड इंडिया का आईएसडी कोड है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग प्लस नाइन वन और अगर आपने इंटरनेशनल कॉल करनी है तो आगे आपको जो है आई कोड जो है उसको लगाना पड़ता है उसके बाद आप नंबर डायल करेंगे जब आप टेलीफोन से कॉल कर रहे हो बट टेलीफोन का टाइम तो अब चला गया अब टाइम है मोबाइल फोन का मोबाइल फोन और द सेल फोन हाँ इन इंस्टेंट कम्युनिकेशन। आप टेलीफोन तो घर पे फिक्स होते थे इंस्टेंट कम्युनिकेशन क्या है यू आर रोमिंग अराउंड समवेयर आपने अपना पॉकेट से फोन निकाला एंड यू कॉन्टेक्टेड हु इज एट वेरी फार अवे प्लेसेज और आपको इसमें एज ए सेट कि प्लस नाइन वन जो है ये इंडिया का कोड है और वैसे ही इंटरनेशनल कोड्स आप इसी से इसमें आपको एस टी डी जो सब्सक्राइबर ट्रंक डाइलिंग थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई आपको एस टी डी कोड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है प्लस नाइन वन के आगे आप डायरेक्टली टेलीफोन नंबर जो भी मोबाइल नंबर है उसको एड कीजिए एंड कॉल एनी वन एनी वेयर एट एनी टाइम एंड ना सिर्फ कॉलिंग नॉट ओनली कॉलिंग हम इसे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं फोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं डाटा और इवन जो हमारी ई मेल्स है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है दोस्त कैन ऑल्सो बी सेंड नाव वी आर ऑल्सो हैविंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स नाव डू यू नो दैट टिल रिसेंटली टेलीग्राफ सर्विस वॉज अ पॉपुलर मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस थ्रू पोस्ट ऑफिस Uh, जो अर्जेंट uh, मैसेजेस uh, होते थे उनको पहले टेलीग्राफ के थ्रू सेंड uh, किया जाता था लेकिन उसके बाद जो है टेलीफोन्स आ गए और टेलीफोन्स के बाद जब मोबाइल फोन्स आए मोबाइल फोन्स के बाद तो टेलीग्राफ जो है वो बिल्कुल बंद हो गया सी टेलीफोन में हम मैसेज तो कन्वे कर सकते थे बट डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेज सकते थे अब मोबाइल फोन के आने के बाद क्या हुआ वी कैन जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट तो वो और भी ज़्यादा इंस्टेंट हो गया वो टेलीग्राफ से भी ज्यादा इंस्टेंट हो गया क्योंकि टेलीग्राफ में तो पीपल uh, 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 जो लोग होते थे जो एजेंट्स uh, uh, बैठे होते थे उनको टेलीग्राफी आनी चाहिए अब टेलीग्राफी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी आप अपने मोबाइल फोन से क्लिक कीजिए फोटोग्राफ एंड सेंड इट सो इट बिकेम मोर इजी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पर्सनल कम्युनिकेशन नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट आर Mass communication. Till then, bye bye. Take care.